यार राम जी यार बहुत बेकार आदमी गड़बड़ हो गया। ए अतुल ए भैया ए पीछे आओ यार, हाथ लड़ा देते यार। मास्क ले, मास्क ले लेना तो। 1 लाख वो तो छत चुका है। देखिए जनपद बांदा में ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, जिसके तहत जितने तरह के भी क्राइम हैं, खासकर की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उन पर हम लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने आज यहाँ पे एक अपमिश्रित शराब बनाने वाले गैंग का को पकड़ा है हम लोगों ने। और ये गैंग काफ़ी मात्रा में जो स्पिरिट लेकर आता था और उसको उससे हम ये जो है अपमिश्रित शराब पैदा करता था, उसको तैयार करता था। इसमें हम लोगों ने टोटल 6 लोग को अभी हम लोगों ने गैंग को डेवलप किया है, जिसमें कि 4 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। 2 लोग जो हैं उसमें से भी फरार हैं और ज्ञानेंद्र इसका एक जो है गैंग का मुखिया है। आगे जो है इसमें हम लोगों ने लगभग 500 लीटर के आसपास अपमिश्रित शराब पकड़ी है, एक अल्टो गाड़ी जिससे उसका परिवहन किया जाता था, और 50 लीटर स्प्रिट मिली है। और ये कहाँ से आई है, आगे किस तरीके से इसको खपाया जाएगा, ये चीज़ें भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और इसके साथ हम लोगों को भारी मात्रा में रैपर और जो बारकोड्स, जो फर्जी बारकोड्स ये मिले हैं, जिससे कि जिसको ये लोग उस पर लगा के इसको सील कर देते थे और बाद में उसको देखने पे ये पता नहीं चलता था कि ये शराब सही है या अपमिश्रित वाली है। तो उस पूरे गैंग को हम लोगों ने पकड़ा है और आगे जितने इसके लिंकेजेस हैं उसको डेवलप कर रहे हैं। और आगे भी इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति भी इनकी जब्त की जाएगी और इनके गैंग को भी पंजीकृत करा के पूरी आवश्यक कार्रवाई आगे की। कितने दिनों से ये काम जिले में चल रहा था? इनमें कुछ लोग पुराने क्रिमिनल्स भी हैं, पहले भी जेल गए हैं और लगातार ये लगभग 8-10 साल से इस काम को कर रहे थे। जब दबाव पड़ता है तो ये बगल के क्षेत्रों में चले जाते हैं, मध्य प्रदेश के जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट उसमें चले जाते हैं, और जब दबाव कम होता है तो ये वापस आके अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो और भी इस कुछ लोगों के जिनके नाम इसमें आए हैं उसको भी हम लोग उनके खिलाफ भी कर रहे हैं। कहाँ कहाँ सर सप्लाई करते थे ये? इसमें जनपद में और यहाँ उत्तर प्रदेश के जो बगल के जिले हैं, जैसे फतेहपुर, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, और इसके अलावा जो MP के जिले हैं, छतरपुर, पन्ना, सतना, इन सबों में भी ये सप्लाई करते थे। और कहाँ कहाँ इनका नेटवर्क फैला है इस चीज़ की भी जांच की जाए। क्या चुनाव में शराब की सप्लाई होने की कोई संदेश है? बिल्कुल, इसका पूरा ये है कि इन लोगों ने से भी इंट्रोगेशन के दौरान ये चीज़ आई है कि इसको बल्क मात्रा में और ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनाते और उसको ये जो है अनफेयर मीन्स के रूप में चुनाव के में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक।